बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि सासाराम और नालंदा में घटना जो घटी उसके बाद से जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है वो लोग बेकसूर हैं, उन लोगों को फंसाया जा रहा है और सरकार जिस कारण से फंसा रही है उसका कारण मात्र एक है, उनका दोष मात्र एक है। विजय सिन्हा के अनुसार वो लोग हिंदू हैं और इसी कारण से उनको फंसाया जा रहा है। विजय सिन्हा अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ राज्यपाल भवन पहुँचे थे, राज्यपाल भवन अभी हम मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि राज्यपाल भवन में राज्यपाल से मिलने के बाद तमाम बीजेपी के नेता बाहर निकल रहे हैं, सम्राट चौधरी साथ में मौजूद है, बीजेपी के पूर्व कई मंत्री भी मौजूद हैं और तमाम लोग पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने। राज्यपाल से मिल करके उन्होंने ये कहा है कि जो मौजूदा सरकार है बिहार में, जो गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी के खिलाफ है और सासाराम और नालंदा के बाद से ये लोग तुष्टिकरण के नज़रिए से, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई कर रहे हैं और उन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि विजय सिन्हा ने साफ साफ एक वर्ग का नाम लेते हुए कह दिया कि हिंदुओं पर यह कार्रवाई हो रही है, सरकार हिंदुओं को फंसाना चाह रही है। नीतीश कुमार पर उनका आरोप था कि नीतीश कुमार पहले इस बात को कह चुके थे जब घटना हुई, उसके बाद उनका तुरंत बयान आता है कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, आरएसएस के लोग शामिल हैं और उनको हम पकड़ेंगे। तो जब मुख्यमंत्री ने इस बात को कह दिया कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, आरएसएस के लोग शामिल हैं, तो जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग पुलिस अधिकारी हैं वो तो महज सरकार के कर्मचारी हैं, तो उनका कहाँ हिम्मत, वो कहाँ सरकार के बातों से पलट जाएंगे और सरकार ने जो आरोप लगाया उससे अलग कार्रवाई करेंगे। तो इनका कहना है कि सरकार ने जो पहले कह दिया था उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है और सरकार की साफ मंशा है कि बीजेपी आरएसएस के लोगों को फंसाया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, आप खुद सुनिए। किए और इस घटना को अंजाम देने का इंतजार क्यों किए और इस घटना में जो लोग संलिप्त हैं उसको बचाने के लिए आप एक खास समुदाय, हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और संघ के लोगों को आप फंसाने का खेल खेल रहे हैं, अज्ञात कर करके उसकी सूची इसलिए उच्च स्तरीय क्योंकि प्रशासन उनके अंदर है और वो पार्टिकुलर राजनीतिक द्वेष के कारण खेल रहे हैं। न्यायिक जाँच होगी, सिटिंग जज से जाँच हो, सीबीआई से जाँच हो, एनआईए से, बम विस्फोट का जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है कि इसको हम देखेंगे, संज्ञान में लेते हैं। क्या आपने पूर्व विधायक का मामला उठाया जवाब के साथ? निश्चित तौर पर उनको फंसाया गया और जिस तरह से खेल लोगों का वक्तव्य लेकर के दबाव में डर से जो अरेस्ट होते हैं उन्हीं को दबाव और डरा करके उनके वक्तव्य लेके किसी के नाम का उजागर करके उसके अरेस्टिंग की व्यवस्था बनाई जाती है, ये खटजंत्र हो रहा है। लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि कार्रवाई हो रही है तो अपनी चिंता हो। जेडीयू कार्रवाई करती ईमानदारी से तो ये दंगा ही नहीं होता। क्यों नहीं संवेदनशील जगह पर, क्यों मस्जिद से पत्थर चला, गोली चला, क्यों ऐसा हुआ, इसकी जवाब देनी चाहिए सरकार। तो ये थे विजय सिन्हा, ये राज्यपाल से मिलने के बाद साफ तौर पर नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं कि विजय से जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जो लोग हिंदू धर्म से आते हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनको फंसाने के उद्देश्य से, तुष्टिकरण के उद्देश्य से इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहा है बताइएगा कि क्या जो हिंसा हुई उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये लोग संलिप्त नहीं थे, ये लोग निर्दोष हैं, सरकार ने जिनको गिरफ्तार किया वो लोग निर्दोष थे और जो आरोप विजय सिन्हा ने लगाया है क्या उनके आरोप में कहीं सच्चाई है। जो भी आपका मानना है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिएगा, YouTube देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।